السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. मोहतरम सामईन, ज़कात के फ़वाइल व मसाइल का चौथा पार्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका मौजू है कि सबसे पहले ज़कात किसको दें। कल के दर्स का मौजू था कि ज़कात किसको दें, उसमें 8 तरीक़े के लोगों का जिक्र था जो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 से मालूम होता है। लिलफ़ुक़राए वलमसाकीन, ज़कात फ़कीरों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है। वलआमिलीन अलैहा, ज़कात वसूल करने वालों के लिए है, और जो दिल रखने वाले हैं और जो गुलाम हैं, इसी तरीके से जो कर्ज मकरूज़ हैं कर्ज़ की अदायगी के लिए, और जो अल्लाह के रास्ते में हैं और जो मुसाफिर हैं। ये 8 किस्म के लोग हैं जो मुस्तहिकीन ज़कात में से हैं, ये मसारिफ़ ज़कात हैं। अब हम जिस मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे वो है कि सबसे पहले हम ज़कात किसको दें। देखिए, सबसे पहले आपकी ज़कात के जो हकदार हैं वो आपके रिश्तेदार हैं। बुखारी में हदीस नंबर 1461 है। एक सहाबी हैं, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये बहुत मालदार आदमी थे। इनके पास बहुत बाग थे मदीना के अंदर। इनका एक बाग था, उसका नाम था बैरुहा, मस्जिद नबवी के ठीक सामने था, और अल्लाह के नबी उसमें जाते थे, खजूर नोश फरमाते थे, आप पानी पिया करते थे उसमें। तो जब सूरह आले इमरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक कि अल्लाह के रास्ते में अपना सबसे पसंदीदा माल खर्च ना कर दो। जब ये आयत उस सहाबी रसूल ने सुनी तो अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मैंने सुना है कुरान की आयत नाजिल हुई है। अरे अल्लाह के नबी, मैं अपना जो मेरा बाग है बैरुहा, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बख ज़ालिका मालुन राबिह, ज़ालिका मालुन राबिह, वो तो बहुत अच्छा माल है, वो तो बहुत नफीस माल है। कहा अल्लाह के नबी, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा करो कि अपने रिश्तेदारों में उसको तकसीम कर दो। अबू तलहा कहते हैं कि मैंने उसको अपने रिश्तेदारों में और अपने चाचा के बेटों में तकसीम किया। तो इससे ये मालूम चला कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, और अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो सबसे पहला हक़ उनका बनता है कि आप उनको ज़कात पहुँचाएँ। इसी तरीके से अगर आपके मामू वगैरह हैं और वो आपकी ज़कात के मुस्तहिक हैं, वो मिस्कीन हैं और आप उनको आपकी ज़कात की ज़रूरत है, तो आप उनको ज़कात दीजिए। मैमूना बिन तिहारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने एक लौंडी को आज़ाद किया, अल्लाह के नबी को मालूम चला तो आपने फरमाया, इम्मा इन्नके लौ अअतैताहा अख़वालक काना अअज़म लिअज्रिक, अगर तू ये लौंडी अपने मामू को देती तो तुझको और ज़्यादा अजर मिलता, ये और ज़्यादा बेहतर होती। ये मैमूना कौन है? ये अल्लाह के नबी की ज़ौजा मोहतरमा है, आपकी बीवी है, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो मालूम ये चला आपके रिश्तेदार हैं और आपकी ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो सबसे पहले उन्हें ज़कात का माल दें, क्योंकि वो ज़्यादा आपके मुस्तहिक हैं। आजकल हमारे और आपके यहाँ क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को नहीं देखते हैं, उनको देते भी नहीं है। क्यों? अगर रिश्तेदारों को दे देंगे तो वो बाद में हमारी तारीफ़ नहीं करेगा, तारीफ़ भी तो करवाना है। चार लोगों में बैठ के वाहवाही भी तो हो। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिए, सबसे पहले ज़कात अपने रिश्तेदारों को दीजिए अगर उनको ज़रूरत है। दूसरा मसला, बीवी शौहर को ज़कात दे सकती है। बीवी मालदार है, शौहर गरीब है, और ऐसा होता भी है कि बीवी के पास पैसा होता है, जेवरात होते हैं, और शौहर फ़कीर होता है, उसके पास इतनी दौलत नहीं है, तो बीवी शौहर को ज़कात दे सकती है। जी हाँ, जिन बीवियों के पास पैसा वगैरह है, सोना चांदी है, और उनके शौहर गरीब है, तो उनको चाहिए कि अपने शौहरों को ज़कात दे। बुखारी के अंदर हदीस नंबर 1466 है, 1466। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद साहबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी बीवी हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये अल्लाह के नबी के पास आई, हज़रत बिलाल मौजूद थे, तो हज़रत बिलाल के ज़रिए अल्लाह के नबी से ये मसला मालूम किया कि क्या मैं अपने शौहर पर और अपने
बच्चों पर जो मेरे पास माल है उसको खर्चा करूं यानी सदका करूं। हजरत बिलाल अल्लाह के नबी के पास आए, फदाखला फसअलहु फकाल मन हुमा। हजरत बिलाल आए, कहा अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे दो औरतें आई हैं और वो ये मसला पूछ रही हैं कि वो अपने शोहर पर सदका कर सकती हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं मन हुमा, वो कौन है? हजरत बिलाल ने कहा जैनब है वो। कहा अय्यु ज़ानिब, कौन जैनब है? قال امرأة عبد الله، अल्लाह के नबी वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा काला नाम, हाँ उससे कहो कि वो अपने शोहर पर सदका कर सकती है, अपने बच्चों को खिला सकती है। लहा अजरान, उसके लिए तो इसमें डबल सवाब है, डबल अजर है। अजरुल कराबा, एक तो कराबत का है और दूसरा अजरुस सदका, सदके का अजर है। वो अजरुस सदका, सदक़े का भी अजर है और करामत का भी अजर है। तो मालूम ये चला कि बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शौहर भी चाहे तो अपनी बीवी को ज़कात दे। नहीं, शौहर नहीं दे सकता है अपनी बीवी को ज़कात। क्यों? क्योंकि बीवी बच्चे शौहर की सरपरस्ती में है, लेकिन शौहर बीवी की सरपरस्ती में। लिहाजा बीवी शौहर को ज़कात दे सकती है, लेकिन शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता है। इसी तरीके से एक मसला और जहन में रखें, जो आले रसूल हैं उनको भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। आले रसूल यानी कि जो नबी के ख़ानदान से हैं। लेकिन अभी हमारे और आपके यहाँ इंडिया पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नबी के ख़ानदान की तरफ मंसूब करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो असली आले रसूल होंगे, नबी के घराने वाले होंगे। अगर हाँ किसी के पास तहकीक है और वो बिल्कुल अपने आप में ये प्रूफ कर सकता है कि मैं आले रसूल से हूँ, तो वो ज़कात ना ले, उनको ज़कात ना दी जाए। लेकिन जो आले रसूल से नहीं है वो ज़कात के मुस्तहिक हैं। आले रसूल नबी के ख़ानदान वाले यानी जो बनू जो हाशमी हैं, जो हाशमी है, नबी का ख़ानदान हाशमी ख़ानदान था, तो जो बनू हाशिम है उनके लिए ज़कात जायज़ नहीं है। इसी तरीके से एक मसला और याद रखें कि माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, एक मसला और याद रखें कि ज़कात सिर्फ रमज़ान में नहीं देना है। हमारे और आपके यहाँ ये जहन बन गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, ऐसा नहीं है। आप ज़कात किसी भी महीने में दे सकते हैं, जब आपका निसाब मुकम्मल हो जाए, साल गुजर जाए, आप ज़कात निकालिए। लेकिन ये है कि रमज़ान में सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है, तो लोग आमतौर से रमज़ान में निकालते हैं। लेकिन रमज़ान का महीना ये ज़कात का महीना नहीं है। रमज़ान का महीना कुरान का है, रोज़े का महीना, दुआओं का महीना है। लेकिन ज़कात निकाल रहे हैं तो हम गलत नहीं है, निकालिए। लेकिन जब आपका निसाब पूरा हो जाए, रमज़ान के अलावा भी ज़कात निकाली जा सकती है और ज़कात निकालना भी चाहिए जैसे ही वक्त पूरा हो जाए। तो ये चंद बातें थीं कि किसको सबसे पहले ज़कात दी जाए। अब इंशाल्लाह जो आगे बातें आएंगी कि ज़कात किस में दी जाए और कितनी दी जाए, क्या मिकदार होगी, साल गुजर जाए, कितना पैसा होना चाहिए, कितना सोना चांदी होना चाहिए, इंशाल्लाह ये तमाम बातें आपके सामने आएंगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने के साथ तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।